क्या विराट कोहली फिर से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान बनने वाले हैं? आइए सवाल का जवाब अपनी इस खास वीडियो में देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सभी टीमों ने अपने कप्तान को लेकर अनाउंसमेंट कर दिया है, जहां पर सभी टीमें तैयारियों में जुटी हुई आईपीएल 2022 की। लेकिन रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम को कुछ बड़े झटके लगते नजर आ रहे हैं, जहां पर पहले ग्लेन मैक्सवेल के शुरुआती कुछ मुकाबले ना खेलने खबरें सामने आ रही, वहीं फैफ डु प्लेसिस को भी लेकर कुछ खबरें सामने आई, लेकिन कप्तान को लेकर जो क्वेश्चन मार्क क्रिएट हुआ है, क्या विराट कोहली के रूप में वो क्वेश्चन मार्क का आंसर मिलेगा? आपको बता दें, किस तरीके से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए विराट कोहली ने करीब 9 साल तक कप्तानी संभाली। अब 12 मार्च को रॉयल चैलेंजर बैंगलोर अपने नए कप्तान का ऐलान करने जा रही है, लेकिन यहां एक बार फिर चर्चा चल रही है कि विराट कोहली को एक बार फिर से इस टीम का कप्तान बन सकते हैं। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि आईपीएल का जो फेज टू था, जहां पर दूसरा पार्ट खेला गया था, पहला पार्ट कोविड की वजह से बीच में रोका गया, जब दूसरा यूएई के मैदानों पर खेला गया था, वहां पर जानकारी के मुताबिक कोहली ने खुद ही अनाउंसमेंट किया था कि वो बैंगलोर की कप्तानी छोड़ देंगे, ये उनका आखिरी आईपीएल एज अ कैप्टन होगा आरसीबी के लिए, एज अ बैट्समैन आरसीबी के लिए वो खेलते रहेंगे जब तक टीम चाहेगी। लेकिन विराट कोहली ने थोड़ा यहाँ वर्कलोड का जिम्मेवार ठहराते हुए ये कप्तानी छोड़ी थी, लेकिन अब आपको बता दें कि सबसे सफल कप्तानों में से एक है विराट कोहली आरसीबी के लिए। विराट कोहली ने पहले 6 कप्तानों को आजमाया था विराट से पहले टीम ने, अब उन 6 कप्तानों में सबसे सफल कप्तान कोहली साबित हुए। विराट से पहले राहुल द्रविड़, केविन पीटरसन, अनिल कुंबले, डैनियल विक्टोरी और शेन वॉटसन इस टीम की कप्तानी कर चुके हैं, जिसमें से अनिल कुंबले का जीत का परसेंटेज 54.28 रहा, राहुल द्रविड़ का 28.57 और विराट कोहली का 48.16% रहा। कोहली साल 2008 से ही बैंगलोर की टीम का हिस्सा है, उन्होंने खुद ये कहा था कि जब तक वो आईपीएल खेलेंगे तब तक इसी टीम से खेलेंगे। आईपीएल में विराट कोहली अब तक 207 मैच खेल चुके हैं और इस दौरान उनके बल्ले से कुल 6283 रन निकले हैं, साथ ही उन्होंने आईपीएल में 5 शतक और 42 अर्धशतक भी लगाए हैं। लेकिन अब उम्मीद ये है कि विराट कोहली एक बार फिर से बैंगलोर की कमान संभालते नजर आएंगे। 26 मार्च से आईपीएल 2022 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं शेड्यूल के अनुसार, जहां पहला मैच चेन्नई और कोलकाता के बीच खेला जाना है। लेकिन दोस्तों, 12 मार्च को तो इस बात का ऐलान हो ही जाएगा कि बैंगलोर की कप्तानी कौन कर रहा है। ग्लेन मैक्सवेल से लेकर फैफ डु प्लेसिस जैसे बड़े महानतम खिलाड़ियों की यहां पर लिस्ट में जगह है, लेकिन आरसीबी की तरफ से पहले भी अनाउंसमेंट की गई थी, अगर कोई कप्तान नहीं मिलता है मेगा ऑक्शन में तो हम कोहली की तरफ फिर से रुख करते नजर आएंगे। लेकिन क्या कोहली यहां पर हाथ थामेंगे, क्या कमान थमालेंगे आरसीबी की, ये देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और जर्सी में भी काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है, ऐसा 12 मार्च को खुलासा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहें हमारे साथ, ताकि आप ऐसी अपडेट पाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।